हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिल्म कदर। दोस्तों, इंडियन सिनेमा अब एक नए लेवल पर जाने वाला है, यानी कि हॉलीवुड के लेवल पर। और हॉलीवुड जैसी साइंस फिक्शन मूवी इंडियन सिनेमा में बनने वाली है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले प्रभास ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने ये पोस्टर डाला। इसमें उन्होंने प्रोजेक्ट के इस मूवी के बारे में बताया है, जिसमें आपको प्रभास के साथ साथ दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक साइंस फिक्शन मूवी होगी और ये फ्यूचर, टाइम ट्रैवल और एलियन जैसे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेगी, और एक काफ़ी अच्छा सरप्राइज इंडियन और वर्ल्ड वाइड इसको देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, यह साइंस फिक्शन मूवी होगी, बड़े बजट वाली यह मूवी होगी। इसका बजट करीब 600 करोड़ तक है और इसमें काफ़ी बड़े एक्टर है, जिनकी काफ़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से यह मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ की जाएगी और काफ़ी लोगों को यह मूवी शायद पसंद आएगी, क्योंकि यह साइंस फिक्शन मूवी है। ऐसी साइंस फिक्शन मूवी इंडिया में नहीं चलती, लेकिन वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए यह मूवी काफ़ी दमदार होने वाली है और दुनिया को पता चलने वाला है कि इंडिया साइंस फिक्शन के फील्ड में भी काफ़ी अच्छी मूवी बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस मूवी की, तो इसका मूवी का नाम प्रोजेक्ट के है, शायद यह नाम बदल भी सकता है, क्योंकि ये टेंटेटिव नाम है और इसका ऑफिशियल नेम 23 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया जाएगा। 2 दिन पहले प्रभास ने जब पोस्ट डाली थी, तो शूटिंग का पहला दिन था और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नाग अश्विन। दोस्तों, नाग अश्विन ने इंटरव्यू में कहा था कि यह मूवी एक साइंस फिक्शन होगी, इससे एलियन भी कनेक्ट होंगे और फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं, यानी कि 2050 की लाइफ इसमें दिखाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, यह मूवी काफ़ी अच्छी होगी और इसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और प्रभास जो इस मूवी में लीड रोल कर रहे हैं, वो एक सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे हॉलीवुड के मूवी में देखा होगा टोनी स्टार्क वगैरह से। और जो अमिताभ बच्चन है, जो कि एक मॉम का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन अब तक यह जानकारी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म होती है तो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह अपडेट आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवी वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।